इस समय जब देश में नशा नामक बीमारी की जड़ें मजबूत पकड़ बना चुकी हैं, लोग उसके गिरफ्त में आते जा रहे हैं, जहां देश इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते दिख रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए अनेक उपाय कर रहा है। सरकार लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है, उसके लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। एक तरफ जहाँ नशा मुक्ति अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो शराब की विशेषताएं गिनाते दिख रहे हैं। एक कप की दारू के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? दारू के सबको एक करता है भाई, हम लोग कभी उसके उपयोग करते हैं, चुनाव चुनाव में कभी उपयोग करते हैं, बाकी जगह उसका उपयोग करते हैं, एक एक कराता है। दारू के विषय में ये कहा गया कि दारू मतलब बी, दारू में अगर मिलाएंगे पानी तो डाइल्यूशन होना चाहिए, कितना डाइल्यूशन हो, जितना डाइल्यूशन उसमें हो सकता है डाइल्यूशन, उसके बाद उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, नहीं कि देखिए मानो खटखट मारने पूरा खत्म हो गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग ने इन दिनों नशा मुक्ति अभियान चलाया हुआ है। इसमें प्रदेश के शिक्षा, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक विकास मंत्री व प्रतापपुर विधायक डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रेम साय सिंह टेकाम को मंच पे नशा छोड़ने के उपायों के बारे में बताने के लिए बुलाया गया, लेकिन मंच पे आते ही शायद शिक्षा मंत्री टेकाम भूल गए कि उन्हें नशा के खिलाफ बोलना है। अपनी सभा में संबोधन के दौरान प्रेम साय सिंह टेकाम शराब की खासियत गिनाने लगे। वो यही नहीं रुके, उसके आगे शिक्षा मंत्री शराब पीने के तरीके भी गिनाने लगे। दारू मतलब बी, दारू में अगर मिलाएंगे पानी तो डाइल्यूशन होना चाहिए, कितना डाइल्यूशन हो, जितना डाइल्यूशन उसमें हो सकता है डाइल्यूशन, उसके बाद उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, नहीं कि देखिए मानो खटखट मारने पूरा खत्म हो गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में आदिवासियों को अपने घरों में 3 लीटर कच्चे शराब निर्माण की छूट है, लेकिन यही कच्चे शराब लोगों की मौत का कारण भी बन रहा है। वीके न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।